चाइना रेडियो इंटरनेशनल है यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है श्रोता दोस्तों अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद साप्ताहिक कार्यक्रम बाल महिला स्पेशल और पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन आयोजित वांग ई ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की और चीन भारत कमांडर स्तरीय वार्ता का पंद्रहवां दौर सकारात्मक और रचनात्मक रहा। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए 31 मार्च को अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन चीन के अंगे प्रांत के थ्वनशी में आयोजित हुआ चीनी विदेश मंत्री वांग ई ने सम्मेलन की अध्यक्षता की पाकिस्तान ईरान रूस ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित छह देशों के विदेश मंत्रियों या प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया विभिन्न पक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिरता को आगे बढ़ाने अफगान जनता को मदद देने आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस सम्मेलन के लिए लिखित बयान जारी किया उन्होंने जोर दिया कि चीन हमेशा अफगानिस्तान की प्रभुसत्ता स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करता है और अफगानिस्तान के शांतिपूर्ण स्थिर विकास का समर्थन करता है अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को हर संभव कोशिश कर समन्वय को मजबूत कर अफगानिस्तान के और सुंदर भविष्य की रचना के लिए अफगान नागरिकों का समर्थन करना चाहिए वहीं सम्मेलन में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन का संयुक्त बयान और अफगानिस्तान के आर्थिक पुनर्निर्माण और व्यवहारिक सहयोग का समर्थन करने पर अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की पहल जारी की गई। इस मौके पर नियमित अफगान दूत बैठक तंत्र की शुभारंभ और राजनीतिक व राजनयिक आर्थिक और मानवीय व सुरक्षा व स्थिरता समेत तीन कार्य समूहों की स्थापना की घोषणा की गई। सम्मेलन में मौजूद सभी पक्षों ने सहमति जताई कि शांति स्थिरता और आर्थिक पुनर्निर्माण हासिल करने में अफगानिस्तान को मदद देने के लिए समन्वय और सहयोग मजबूत किया जाना चाहिए अपनी प्रतिबद्धताओं को ईमानदारी से पूरा करने के लिए अफगान अंतरिम सरकार का समर्थन और मार्गदर्शन करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष तौर पर पड़ोसी देशों की अपेक्षाओं का सक्रिय रूप से जवाब देना चाहिए इसके साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि अमेरिका और नाटो को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में प्राथमिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए और लोगों की संपत्ति को जल्द से जल्द वापस करना चाहिए उधर चीनी विदेश मंत्री वांग ई ने 30 मार्च को चीन के आंगख्वे प्रांत में चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और अफगान अंतरिम सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मोताकी ने बैठक में भाग लिया इस दौरान वांग ई ने कहा कि मौजूदा स्थिति में चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान को त्रिपक्षीय सहयोग तंत्र को फिर से शुरू करना चाहिए और परस्पर सम्मान समान परामर्श और पारस्परिक लाभ व जीत के आधार पर राजनीति विकास और सुरक्षा के तीन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए कुरैशी और मोताकी ने चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान त्रिपक्षीय बैठक और अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के महत्व का सकारात्मक मूल्यांकन किया और बैठक की मेजबानी करने तथा समन्वय व अग्रणी भूमिका निभाने के लिए चीन को धन्यवाद दिया उधर चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग ई ने 30 मार्च को मध्य चीन के आंखोई प्रांत के थ्वनशी शहर में चीन के दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सरगे लावरोव से मुलाकात की बता दें कि लावरोब अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे थे मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने जोर दिया कि दोनों देशों के नेताओं की महत्वपूर्ण सहमति को लागू कर चीन रूस रिश्तों को और ऊंचे स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा मुलाकात के दौरान सरगे लावरोब ने रूस यूक्रेन वार्ता की ताजा स्थिति के बारे में सूचित करते हुए कहा कि रूस तनाव कम करने के लिए कार्य कर रहा है रूस यूक्रेन के साथ वार्ता करना जारी रखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदायों के साथ संचार बनाए रखेगा। उधर चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता चेन ने 31 मार्च को आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में हाल में आयोजित चीन भारत कमांडर स्तरीय वार्ता के पंद्रहवें दौर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक रही प्रवक्ता के मुताबिक 11 मार्च को चीन और भारत के बीच कमांडर स्तरीय वार्ता का पंद्रहवा दौर आयोजित हुआ जिसमें चीन भारत सीमा के पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के समाधान को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई दोनों पक्षों ने इस बात को दोहराया कि शेष मुद्दों के समाधान से एल के पश्चिमी क्षेत्र में शांति और अमन चैन की बहाली और द्विपक्षीय संबंधों के विकास के संवर्धन के लिए मददगार साबित होगा दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने सैन्य व राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी रखने और जल्द से जल्द दोनों पक्षों के स्वीकार्य समाधान प्रस्ताव हासिल करने पर सहमति जताई है प्रवक्ता ऊन ने बल देते हुए कहा कि चीन भारत सीमा मुद्दा चीन और भारत के बीच का मामला है दोनों पक्षों ने किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सीमा की स्थिति को ठीक से संभालने पर सहमति जताई है उधर हाल ही में चीन के शांतोंग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और तकनीकी सहयोग निगम शांतोंग रोड और ब्रिज समूह संयुक्त उद्यम ने बांग्लादेश के परिवहन मंत्रालय के ब्रिज ब्यूरो के साथ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सड़क उन्नयन परियोजना अनुबंध पर हस्ताक्षर किए इस सड़क सुधार परियोजना के अनुबंध का मूल्य 12 अरब टाका यानी लगभग 15 करोड़ डॉलर है इस परियोजना में 10 किलोमीटर वाली सड़कों का चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण 9 किलोमीटर क्षेत्र में पुलों का निर्माण सड़कों से जुड़ी टोल संग्रह सुविधाएं और नगर पालिका सुविधाओं का उन्नयन आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। इस परियोजना की निर्माण अवधि तीन साल बताई जाती है उधर 31 मार्च को आयोजित छठे नवाचार और उभरते उद्योग विकास अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में चीनी इंजीनियरिंग अकादमी ने चीन की कार्बन पीक और कार्बन तटस्थता की रणनीति व उपाय संबंधी रिपोर्ट जारी की इसमें कहा गया है कि कार्बन पीक और कार्बन तटस्थता हासिल करना ही चीन में उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है और साथ ही इससे कई चुनौतियों का भी सामना करना होगा सक्रिय कार्रवाईओं और पूरे समाज के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से चीन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साल 2027 के आसपास चरम पर पहुंचने की उम्मीद है और इसका इस दौरान अधिकतम मूल्य लगभग बारह अरब टन पर नियंत्रित किया जाएगा इसके आधार पर विकास मॉडल के मौलिक बदलाव को बढ़ाया जाएगा ताकि वर्ष 2060 तक चीन द्वारा कार्बन तटस्थता हासिल की जा सके उधर छह महीने तक चला 2020 दुबई एक्सपो 31 मार्च को समाप्त हो गया मौजूदा एक्सपो में कुल एक देशों ने हिस्सा लिया जिसमें दो करोड़ बीस लाख से अधिक आगंतुक पहुंचे थे चीनी पेविलियन को देखने सोलह दशमलव पाँच लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे और इसे सबसे लोकप्रिय सबसे विशिष्ट और सबसे रोमांचक राष्ट्रीय मंडपों में से एक माना गया चीनी व्यापार संवर्धन संघ के न्यूज प्रवक्ता वीवी वी ने 31 मार्च को पेजिंग में बताया कि दुबई एक्सपो के दौरान चीनी और विदेशी उद्यमों ने कई क्षेत्रों में सहयोग संधियों पर हस्ताक्षर किए इन हस्ताक्षर की गई इनकी राशि 870 करोड़ युवान से ज़्यादा रही है यहाँ बता दें कि 2020 दुबई एक्सपो को कोरोना महामारी के कारण 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए स्थगित करना पड़ा था